कृष्ण दोस्तों, मैं पूजा आपकी दोस्त भक्ति में शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी से संबंधित महत्वपूर्ण बात बताएंगे। वो महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त है कि हमें जन्माष्टमी की पूजा कितने टाइम पर करना है, कितने टाइम शुभ मुहूर्त है। आइए हम इसी बात को लेके इस वीडियो पर चर्चा करते हैं और आपको पूरी बात बताते हैं। आइए जानते हैं कि कब हमें पूजा करनी है और कब प्रसाद हमें ग्रहण करना। तो आइए हम जानते हैं। जिस तरह आषाढ़ मास में भगवान शिव की भक्ति होती है, उसी तरह भद्रपद मास में कृष्ण की आराधना का महत्व होता है। कृष्ण जन्माष्टमी पर भक्तगण पूरा दिन उपवास रखते हैं। रात के 12 बजे तक भगवान श्री कृष्ण का जागरण करते हैं, भजन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इस वर्ष भगवान कृष्ण का 547वां जन्म दिवस मनाया जाएगा। मथुरा में ज्योतिष आलोक गुप्ता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का अवतार 3228 ईस्वी पूर्व हुआ था। 3102 ईस्वी पूर्व में कान्हा ने इस लोक को छोड़ भी दिया था। विक्रम वसंत के अनुसार कलयुग में उनकी आयु 2078 वर्ष हो चुकी है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर 125 साल 6 माह और 6 दिन तक रहे। इसके बाद वह धाम चले गए। पंचांग के अनुसार भद्र मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त को रविवार को रात 11:25 पर होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात 1:59 तक रहेगी। इस हिसाब से व्रत के लिए उदया तिथि को मानते हुए 30 अगस्त को जन्माष्टमी मनानी चाहिए, मनानी होगी आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण के जन्म शुभ मुहूर्त 30 अगस्त से रात 11:54 तक ही रहेगा। भादो माह में श्री भगवान श्री कृष्ण ने रोहिणी नक्षत्र में वृष लगन में जन्म लिया था। 30 अगस्त को ही रोहिणी नक्षत्र का हर्षण योग रहेगा। देश भर में सभी कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी को विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और जन्माष्टमी के दिन अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र एक साथ पड़ रहे हैं। इसे जयंती योग भी मानते हैं और इसलिए ये संयोग बहुत बेहतर द्वापर युग में सबसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब भी ये जयंती योग पड़ रहा था। ज्योतिष शास्त्र ने बताया गया कि श्री भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पर राशि के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का भोग लगने से कन्हैया की कृपा बनती रहती है। तो दोस्तों, ये था मुहूर्त और शुभ मुहूर्त पर भक्तों पूजा करने से आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो भक्तों, अवश्य सही टाइम पे पूजा करना। तो भगवान से रिलेटेड बातें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।